हेलो एवरीवन, आई एम सुदीप पांडे एंड यू आर वाचिंग एसपी न्यूज़ एंड नॉलेज। आज हम लोग माध्यमिक एबीटीए टेस्ट पेपर का पेज नंबर 475 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 475 ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में बोला जा रहा है राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फुलफिल इन द ब्लैंक्स। तो जो सही होगा उसको चूज करना हम लोग यहाँ पर जानते ही हैं। तो तन्मय अपन डैश ऑप्शन में रीच्ड रीच और रीचिंग स्कूल टू मेट फ्रॉम सिंह द स्कूल वॉचमैन। यहाँ पर देखो मीट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, मेट या फिर पास्ट फॉर्म बोल सकते हो तुम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीच्ड। ठीक है, नाउ सेकंड लाइन ही ट्रिम्बल वॉज ट्रिम्बलिंग और ट्रिम्बल्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही वॉज ट्रिम्बल्ड, सॉरी ट्रिम्बलिंग, ही वॉज ट्रिम्बलिंग। नेक्स्ट लाइन तन्मय डस टचिंग टच्ड और टच हिज फॉरहेड एंड फाउंड दैट राम सिंह हैड हाई फीवर। तो यहाँ पर टच्ड राइट आंसर जो बनेगा वो होगा, वो हो जाएगा टच, सी ओ यू टी ओ यू, सॉरी टी ओ यू सी एच ई डी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो गया रीच्ड, सेकेंड वॉज ट्रिम्बलिंग एंड थर्ड वन टच। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। तो जो भी आर्टिकल प्रीपोजिशन होगा उसको देके फिल करना है हम लोगों को। तो देखते हैं पैसेज में क्या है। थाउजेंड्स ऑफ तालिबान फाइटर्स चार्ज डैश 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फनासिर प्रोविंस ओवरनाइट अकॉर्डिंग टू विटनेसेस डैश द एरिया हु स्पोक डस कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। ठीक है, तब देखो थाउजेंड्स ऑफ तालिबान फाइटर्स चार्ज डैश 8 डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट, मतलब इन 8 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर चार्ज किया था, 8 डिस्ट्रिक्ट पे ऑफ पनासिर प्रोविंस ओवर इन ओवर नाइट अकॉर्डिंग टू विटनेसेस डैश द एरिया। तो ऑफ द एरिया हु स्पोक डैश कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डैश कंडीशन, तो अंडर कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। नाउ क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट इन, सेकंड ऑफ एंड थर्ड वन आल्सो अंडर। नो क्वेश्चन नंबर बी, डू एज डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है द पोएम इज टू सिंपल टू नीड एन एक्सप्लेनेशन चेंज इन टू कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको कैसे करना है हम लोगों को, The poem is so simple that it does not need an explanation. क्लियर। इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग पहले का पेजेस में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ओमिट टू या फिर चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आंसर एक ही बनेगा। द पोएम इज सो सिंपल दैट इट डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया हम लोगों का राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु विल लव मी लाइक माई ओल्ड मदर। ठीक है, चेंज इनटू असर्टिव।
success will surely come to you if you don't abandon trying. Simple सा. So बहुत ही बहुत important line सही है, line है. Success will surely come. Success तुम्हारे पास जरूर आएगा, ठीक है. If you don't abandon trying, तुम अगर कोशिश करना नहीं छोड़ोगे तो, ठीक है. Abandon का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्याग करना. तो ये हो गया first line. Second line, he could not recover from the disease. He could not recover from the disease. वो अभी तक डिजीज से, मतलब अपने रोग से रिकवर नहीं हुआ है, मतलब सही ठीक नहीं हुआ है. द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल कंपनसेट द डैमेज. कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति देना. द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल कंपनसेट द डैमेज, ठीक है. मतलब हम लोग जान चुके हैं, और हम लोग का फेजल हर में दिया गया है फॉल ऑफ है, गो थ्रू, मेक ऑफ और गिव अप. तो फर्स्ट अबंडन का जो बनेगा वो हो जाएगा गिव अप, ठीक है. सेकंड डिजीज वाले, मतलब सी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द डिजीज, तो रिकवर का जो फेजल वर्ब बनेगा वो हो जाएगा गेट थ्रू, ठीक है. और कंपनसेट का जो फेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा मेकअप, मतलब भी होता है कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ण देना, ठीक है. तो ये हो गया हम लोगों का पेज नंबर 475 का. तो फर्स्ट एम्बेंडेंट से हो गया गिव अप, और रिकवर का गेट थ्रू, और मेकअप को कंपनसेट, ठीक है. तो ये था हम लोगों का पेज नंबर 475. चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. करेक्ट ऑल्टरनेटिव में फर्स्ट आंसर रीच्ड, सेकंड वाज ट्रिम्बलिंग, एंड थर्ड टच्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव में फर्स्ट आंसर इन, सेकंड ऑफ, एंड थर्ड अंडर. नाउ ग्लोस डायरेक्टेड, द पोएम इज टू सिंपल. तो टू को हटा के हम लोग सो लिखते हैं, और इस टू को हटा के दैट सब्जेक्ट, अगर लिविंग थिंग्स होता है तो कैन नॉट, कुड नॉट, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो डज नॉट. क्लियर. तो द पोएम इज सो सिंपल दैट इट डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन. तो ये हो गया इसका आंसर, द पोएम इज सो सिंपल दैट इट डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है. हु विल लव मी लाइक माई ओल्ड मदर. चेंज इन टू असर्टिव, हाउ वाचक वाक्य में लाना है. कौन तुमको तुम्हारे ओल्ड मम्मी के जैसे, मतलब तुम्हारे मम्मी के जैसे लव कर सकते हैं, ठीक है. तो नन विल लव मी लाइक माई ओल्ड मदर, ठीक है. ये हो गया हम लोग का असर्टिव सेंटेंस में, जो तुम लोग हु को ओमिट करके नन लगा दिए. फर्दर सी टू जॉन, डोंट रन फ्रॉम हेयर टिल आई रिटर्न. इनडायरेक्ट स्पीच में फर्दर टोल्ड जॉन नॉट टू रन फ्रॉम देयर, हेयर से देयर आ गया, टिल ही रिटर्न. और एक भी और भी कर सकते हैं, फादर फॉरबेड जॉन नॉट टू रन फ्रॉम देयर टिल ही रिटर्न. क्लियर. फेजल वर्ब, सक्सेस विल सियरली कम टू यू इफ यू डोंट अबैंडन ट्राइंग. तो अबैंडन का मतलब छोड़ना, कोशिश बंद कर देना, तो इसको हो जाता है गिव अप. रिकवर का मतलब जानते ही हम लोग सब, तो उसका हो जाता है गेट थ्रू. और कंपनसेट का मतलब ये होता है क्षतिपूर्ण करना, ठीक है. तो उसका हो जाता है मेकअप. चलो ये हो गया हम लोगों का पेज नंबर 475. मिलते हैं नेक्स्ट पेज में.